नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहपुरा भिटोनी मानेक सालों से चल रही मेट्रो बस की मांग आज शहपुरा नगर और क्षेत्रवासियों के लिए पूरी हो गई है। जबलपुर नगर निगम द्वारा संचालित मेट्रो बस आज से जबलपुर शहपुरा के बीच चालू हो गई है। आज सुबह 11 बजे मुख्य बस स्टैंड शहपुरा में मेट्रो बस का स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया और विधायक संजय यादव द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर बस प्रारंभ की गई। सबसे पहले विधायक और नगरवासी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बस में बैठकर शहपुरा नगर का भ्रमण किया। शहपुरा नगर के लोगों ने मेट्रो बस ड्राइवर और कंडक्टर को मिठाई खिलाई और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मेट्रो बस के प्रारंभ होने से शहपुरा के छात्र छात्राओं और अप डाउन करने वाले लोगों ने राहत की सांस ली और लोगों में बस प्रारंभ होने से नगर में बड़ा उत्साह देखा गया। मेट्रो बस चालू होने का श्रेय सभी क्षेत्रवासियों ने बरगी विधायक को दिया और क्षेत्र की सभी लोग बड़े उत्साह में नजर आए। हम आपको बता दें कि ये बस जबलपुर के लिए शहपुरा से सुबह 9:45 पर और दोपहर में 2:45 पर शाम को 4:45 पर मुख्य बस स्टैंड शहपुरा से मिलेगी। और हमारे संवाददाता पंडित धनंजय ने बरगी विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नगरवासियों से खास बातचीत की। बरगी विधानसभा में मध्य प्रदेश का पहला ऐसा ग्रामीण मध्य प्रदेश कि जहां मेट्रो बस चालू हुई, 6 महीने में मेट्रो बस चालू हुई, वो बरगी विधानसभा का सौभाग्य है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री ने विधायक से अनुमति पहले मंजूर हुई थी, लेकिन जब मैं वित्त मंत्री से मिला दो साल का था, अधिकारी खुद हैरान परेशान हो गए। अधिकारियों का कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है जो जिले की जो शुरुआत है वो हो सकता है सब जिले वाली मांग लेंगे। तो बोले आपने अच्छा काम किया, बच्चों को काले जाने, मजदूरों को, व्यापारियों को, आज जो गाड़ी लेके जाना पड़ता है वो सुविधा सबसे बड़ी बात बच्चों को काले क्योंकि आप काले सुविधा चाहिए, प्राय शहर में जाते हैं शहर में घर पर पाना पड़ेगा क्योंकि सुविधा नहीं थी इसकी, लोगों को घर पर पाना पड़ेगा। आने वाले समय में पूरा जो है हमारा शहर होगा लोग यहाँ से जाना पसंद करेंगे, आएंगे उल्टा जो शहर चले गए वो आएंगे यार हमारा मिल के काम कर रहे हैं। अब हमारा अगला नंबर यहाँ का है कि वहाँ पे लाया खाली जाए, इसके बाद यहाँ से कम से कम 1,500 लोग पर डे अप डाउन करते हैं शिक्षा के लिए, यहाँ से छात्र जाते हैं, जबलपुर से भी कुछ लोग आना जाना है क्योंकि यहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल हैं और संस्थाएं हैं, बैंक हैं वगैरह। तो लोगों को प्रतिदिन बहुत समस्या थी आने जाने की क्योंकि ट्रेन का माध्यम उनको प्राप्त नहीं हुआ है, ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। एक ट्रेन हुई थी वो भी कांग्रेस ने आंदोलन किया था, उसकी मांग पर सही हुई थी। यहाँ पर विधायक पहले रह चुके, जो सांसद रह चुके, उन्होंने ये कोई प्रयास नहीं किया। आज 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मेट्रो की हमेशा मांग उठती रही, मगर यहाँ पर मेट्रो ट्रेन और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आने वाले समय में क्या और नई सौगातें आने वाली है, कॉलेज आने वाले, 3-3 कॉलेज आ रहे, कॉलेज के साथ हॉस्पिटल 20 बिस्तरों का, जरगों में हॉस्पिटल, बरगी में हॉस्पिटल, जो पहले पूर्ण तहसील का दर्जा नहीं मिला था
वो तहसील एसडीएम कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, एडीओपी कार्यालय, सैंपल बात को सामने बात आती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी और डॉक्टर जो है वो नदारत है। सरकार ने आपकी 9 बजे से शाम के 4 बजे तक समय पे कोई डॉक्टर नहीं आया, तो इनके लिए क्या आप करेंगे, क्या होगा? मैं अभी विधायक जी ने विधानसभा में डॉक्टरों को लेकर एक और क्वेश्चन उठाया है विधानसभा में कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टरों की भी कमी है और शिक्षकों की भी कमी, दोनों डॉक्टरों के लिए उन्होंने अभी आयुष के डॉक्टर के लिए भी उनने सुविधाएं दी है कि हम प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुष के डॉक्टर की शुरुआत हुई है सहपरा भटौनी में और अधिक उत्साह है यहाँ के लोगों में, स्टूडेंटों में। हम जानते हैं कि एक नई सौगात में कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं। भैया बहुत अच्छा लग रहा है, कई साल की हम लोगों की मेहनत सफल हुई जो आज ये मेट्रो बस यहाँ से चालू हुई। श्रेय किसको देते हैं आप? संजय यादव, भाजपाइयों ने तो करवाया ही नहीं कुछ, कांग्रेस की सरकार आई, संजय यादव और सर्वमानों से मेहनत करके चालू करवाई बस। अब कितना खुद महसूस कर रहे हैं? अरे भैया बच्चों को बहुत सहूलियत हो गई जलपुर आने जाने के लिए, किराया भी जो है क्लियर इसमें लगेगा, प्राइवेट बसों में उसका कोई लिमिट नहीं था, क्या ले रहे क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत चालू होने से कितना फायदा होगा सहपरा के लिए? डबल फायदा होगा क्योंकि अभी दो दो तीन दिन साधन बदलना पड़ते थे, मेडिकल उतरो या धनवंती नगर, अब सीधा जलपुर जाने के लिए कहाँ तक जाना हो वहाँ तक के लिए साधन बनेगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार जैन। इस समय हम सहपरा भटौनी में हैं और ये मेट्रो की शुरुआत हुई है, एक बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ के लोगों में, हम जानते हैं। हमारे साथ मोनू जायसवाल हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारे सहपरा के लिए बहुत ही अच्छे क्षण हैं और ये जो 10 साल में हमारी भाजपा की सरकार केंद्र मतलब प्रदेश में थी और जबकि इनके सांसद से लेके पार्षद से लेके प्रधानमंत्री होने के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि दिलवाई हमारे माननीय संजय यादव विधायक जी हैं। उन्होंने क्या सहपरा के लिए क्या फायदा होगा मेट्रो से? इससे ग्रामीण इलाकों से जो स्टूडेंट आते हैं सुबह, ट्रेन का कितना वेट करना पड़ता है, उनकी पूछो कि कितना दर्द झेलते हैं सुबह से शाम तक। और ये कहाँ से कहाँ चलेगी मेट्रो? ये सहपरा भटौनी से अपनी बड़ी स्टेशन तक चलेगी। क्या नाम है आपका? मोनू जायसवाल। ये सहपरा में ये यूथ कांग्रेस की लंबी मेहनत थी इसमें और माननीय संजय यादव जी ने इस मेट्रो बस का प्रस्ताव पास किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सहपरा के लिए बहुत खुशी की बात है कि सहपरा और जबलपुर में मेट्रो बस चलना। हमारे साथ सहपरा के नेता और वरिष्ठ पत्रकार भी साथ में हैं, बंधु जैन जी, हम उनसे जानते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित दिन है। जबलपुर से हमारे प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ने जबलपुर से बरगी चरगुआ सहपरा पाटन की नागरिकों के लिए तहसील कार्यालय से जोड़ने के लिए जो काम किया है वो कितना फायदा होगा सहपरा के लिए? सहपरा के की जनता के लिए काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा, जो अपनी पेशी के लिए जाते हैं उनको एक नियमित साधन मिल गया जो अपने घर पहुंचने के लिए। इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय हमारे क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी। कब से चल रहा था मेट्रो का? जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री संजय यादव जी का विशेष योगदान रहा और उन्होंने इस मांग को पूरा किया।